वेलकम बच्चों। सो जैसे हम काम कर रहे हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज्ड स्पीयर, ठीक है। आज हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई आपको निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपके पास क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पास में एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये इस तरह से। और आपको मालूम है जो वायर है उसका शेप कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो शेप भी हमारा कैसा, वो वायर भी हमारे पास में किस तरह से रहता, सिलेंड्रिकल वायर रहता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये मार्कर की बात करूँ जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये मार्कर भी हमारा क्या रहने वाला है, सिलेंड्रिकल है। अब बारीक वायर भी लेंगे, लॉन्ग लेना है, स्ट्रेट लेना है, ठीक है, लेकिन उसका शेप भी देखो तो वो हमारे पास में क्या रहता है, एक तरह से तो सिलेंडर रहता है। यानी आप यहाँ पे सिलेंडर बोल सकते हैं। जैसे वहाँ पे चार्ज्ड स्पीयर बोला था, ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर को आप सिलेंडर शब्द डाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सिलेंडर, ठीक है। यानी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर ऐसा शब्द आए तो भी आप यही चीज़ होंगी, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कंसीडर करते हैं, क्या बोलेंगे हम, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली जो लिखा है वहाँ पर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, वायर। मैं यहाँ पर सिलेंडर और शब्द जोड़ ही देता हूँ, यहाँ पर सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो तो अब यहाँ पर लेते, क्या बोलेंगे हम, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी सिलेंडर विथ रेडियस, इसकी रेडियस लेते हम। रेडियस समझो इसकी क्या है बच्चों, आर है, ठीक है। जैसे आपको मालूम है इसका क्या होगा, यहाँ पर एक्सिस होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ये मान लीजिए उसका क्या है, एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ये देखूँ तो ये इसके क्या बन जाएंगे, कैपिटल आर, इसकी क्या समझो, रेडियस है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, विथ रेडियस आर एंड यहाँ पर लेते हम चार्ज लेते इसके ऊपर, एंड चार्ज आप यहाँ पे ले सकते हो, समझो आपको क्यू लेना है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव क्यू ले लेता हूँ, तो इसके ऊपर पूरी तरह से कौन फैला हुआ रहेगा, पॉजिटिव क्यू। तो समझो यहाँ पर चार्ज है हमारे पास में, ये चार्ज जैसे हमने उस दिन लास्ट टाइम में हमने देखा था कि वो स्पीयर के ऊपर था, ठीक है। अब ये किसके ऊपर फैला हुआ है, हमारे सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। और अब ठीक है, तो क्या कहा यहाँ पे अपने, विथ रेडियस आर एंड चार्ज हमारे पास में क्यू है, ठीक है। सो इसकी लेंथ आप ले सकते हैं, जो भी लेंथ लेनी है, वैसे तो हमने लॉन्ग लिया तो जो भी लेंथ लेनी है ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप जैसे यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस वगैरह निकालेंगे तो उसकी लेंथ के अनुसार भी जा सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, जैसे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है यानी चार्ज अपॉन एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम जनरली हमारे सिग्मा से बताते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से बताते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो उसे हम रो से बताते हैं, ठीक है। सो वो ध्यान में रखना, ठीक है। लेट क्या बोलेंगे, लेट लैम्डा क्या है हमारे पास में, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर या फिर सिलेंडर ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो समझो लेंथ क्या है उसकी, यल है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू यल भी आप ले सकते हो, ठीक है। वो ध्यान में रखना, कभी हमारे काम में आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या क्या बोलेंगे, देखो, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी सिलेंडर विथ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू, ठीक है। आप लेंथ ले सकते हो, ठीक है। लेट यहाँ पर लेंथ क्या ले लेते, लेट यल क्या है, यल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। बी लेंथ ऑफ वायर यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। सो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास में किसी पॉइंट के ऊपर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं पॉइंट ले लेता हूँ, समझो पॉइंट पी है। यानी क्या कहेंगे हम, कंसीडर अ पॉइंट पी, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फ्रॉम द
एक्सिस ऑफ वायर, वायर के एक्सिस से, ये देखो ये वायर का एक्सिस है, यहाँ से कितने दूरी पर ले लेते हम, यहाँ से ले लेते हम इसको आर इतने दूरी पर, स्मॉल आर इतने दूरी पर। अब हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट पी, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट टाइम ये काम किया था, अभी भी काम करेंगे, हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमारे पास वायर सिलेंड्रिकल है ना, तो हमारे पास में पॉइंट पी से जाने वाला गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल होगा। तो यानी क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे ड्रॉ ए गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, थ्रू पॉइंट कौन सा है हमारे पास में पी, एंड को एक्सियल विथ चार्ज्ड वायर, वायर के साथ में, वायर का जो एक्सिस है वो इसी का एक्सिस होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर आप ढंग से क्या करेंगे, यहाँ से गॉसियन सिलेंडर निकालेंगे आप, ठीक है, यहाँ से इधर में बराबर ढंग से आप क्या करना, गॉसियन सिलेंडर निकालो, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि गॉसियन सिलेंडर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, और यही देखो आप वो कहाँ से गया है, तो पॉइंट पी से गया है, ठीक है, पॉइंट पी से गया। दूसरी बात, वो इसके साथ में कोएक्सियल है, मतलब उसका भी एक्सिस यही होगा जो इस चार्ज्ड वायर का होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा हम यहाँ पे एरिया ले लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट पी के अराउंड एक छोटा सा एरिया, समझो वो डी एस इतना एरिया है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर ए स्मॉल एरिया, समझो क्या है, डी एस एट पॉइंट क्या, पॉइंट पी ऑन दी गॉसियन सिलेंडर पर पॉइंट पी के पास में हमने क्या कर लिया है, एरिया डी एस ले लिया, ठीक है। अब मैंने देखो गॉसियन, जैसे ये सरफेस है ऐसा, ठीक है, तो इधर में एरिया है, तो एरिया की जो नॉर्मल होगी, नॉर्मल के डायरेक्शन इधर होंगे, और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल चार्ज्ड वायर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में रहेंगी। तो अगर यहाँ से आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी इसी डायरेक्शन में है, और एरिया की नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में, मतलब उनमें हमारे पास में एंगल के आने वाला है ज़ीरो। यानी देखो वहाँ से वो जो एरिया है, वो एरिया इस तरह से, मतलब नॉर्मल ऐसे होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारे पास में सेम है, यानी उनके बीच का एंगल ज़ीरो है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द एरिया डी एस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, सो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, और आपको मालूम है कॉस थीटा मतलब कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या बन जाता है, वन बन जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया डी एस है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है, यानी क्या बोलेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया डी एस। तो हमारे पास में फार्मूला क्या है, हम देखो एरिया डी एस जो है हमारा, वो थोड़ा सा एरिया लिया, स्मॉल एरिया है, तो उसके लिए फ्लक्स भी क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा, तो इसलिए हम उसको डी फाई से बताते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास फार्मूला है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया, इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो मिलता है, तो वो मिलता है ए इंटू डी एस कॉस थीटा, लेकिन आपको मालूम है कॉस थीटा वन है, इसलिए सिंपली हमारे पास ए इंटू क्या बन जाएगा, डी एस बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये जो एरिया, ये एरिया स्मॉल एरिया लिया, अब हमारे पास पूरा जो गॉसियन सिलेंडर है, पूरा गॉसियन सिलेंडर हमने क्या किया है, इस चार्ज्ड वायर के अराउंड निकाला है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पूरे की पूरी फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहते पूरा जो गॉसियन सिलेंडर है उसके ऊपर, सो यहाँ पर हेडिंग देंगे हम, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सिलेंडर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको निकालना है, इट इज़ गिवन बाय
इज गिवन बाय, तो वहाँ पर हम उसको फाई से बताएंगे और इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन में डालेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे हमने स्पीयर के लिए लिया था वैसा ही, यानी ए इंटू डी एस होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको मिलने वाला है, क्योंकि ई डी एस हमारे पास फाइनली ई इंटू डी एस होगा, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें से देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमारे पास ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास में चार्ज्ड स्ट्रेट वायर भी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मिटी के कारण उसका जो मैग्नीट्यूड है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, इट इज़ सेम। सो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं लिखा, हम यहाँ पे लिख सकते, ठीक है। कौन सा, कि एज क्या बोलेंगे हम, द मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखो आप पहले, ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी, क्या कहेंगे हम, ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सिलेंडर इज सेम एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। वो क्या रहेंगे, हमारी बाहर की ओर रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर E क्या रहेगा, हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो फाइनली फाई इज इक्वल टू मिलेगा E इंटू इंटीग्रेशन ds, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लोज इंटीग्रेशन डाल दो, ताकि हम कहेंगे कि क्लोज सरफेस है। अब इंटीग्रेशन ds, अब देखो ये जो ds है, ये छोटा सा एरिया है ऑन द गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। अब अगर उसका आप इंटीग्रेशन लेते हो, तो छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पूरा गॉसियन सिलेंडर का एरिया होगा। अब गॉसियन सिलेंडर का एरिया तो होगा, लेकिन उसमें भी हमारे पास में सिर्फ यहाँ पे जो कर्व सरफेस आता है उसी का, यानी हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा एरिया है, तो वो सिर्फ कर्व सरफेस का होगा। और कर्व सरफेस का एरिया फार्मूला क्या है, 2πrh, अगर आप 10th क्लास में जाते हो। लेकिन यहाँ पे h के एवज में हम क्या शब्द लगाएंगे, l, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा चार्ज्ड सिलेंडर है उसी के पूरा अराउंड गॉसियन सिलेंडर निकाला, तो उसकी भी लेंथ हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर l लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हाइट के एवज में l होगा, इसलिए हमारा फार्मूला होगा 2πrl, यानी यहाँ पर हो जाएगा phi इज इक्वल टू ई इंटू 2πrl, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर हेडिंग कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो वी हैव टू फाइंड हियर दी ई, यहाँ पर ई निकालना है, लेकिन बाय यूजिंग द गॉस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से हेडिंग डालेंगे बाय गॉस लॉ, या फिर गॉस थ्योरम आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज़ इक्वल टू द टोटल चार्जेस पर परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ठीक। तो परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, या फिर परमिटिविटी ऑफ द एयर बोल सकते हैं। अगर कोई मीडियम है तो परमिटिविटी लेते समय आप उसको के एप्सिलॉन जीरो लेना है, लेकिन अगर वैक्यूम या फिर एयर है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या बन जाती है, 1। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। सो यहाँ पर हम फाई को रिप्लेस करते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो से, तो हमारे पास में ई इंटू क्या बन जाता है, 2πrl, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास E इज इक्वल टू क्या होगा, सब मटेरियल इधर भेज दो, मतलब Q अपॉन क्या होगा, यहाँ पर 2πε0 R और L, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, यानी आउटसाइड चार्ज सिलेंडर बोलो या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलो, ठीक। अब लेकिन जैसे लास्ट टाइम हमने जब स्पीयर की बात की थी, तो स्पीयर में हमने क्या किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने बता चुके, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपॉन लेंथ, यानी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या बन जाएगा हमको, यल। तो वहाँ पर अगर हम क्यू की वैल्यू रखते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो दैट विल बी ई इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज रिप्लेस बाय लैम्डा यल, सो दैट विल बी 2πε0 आर यल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, from equation first. So now you can cancel out this L. So finally you will get E is equal to lambda upon, yahan par ho jayega 2πε0
एंड स्मॉल आर. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. ठीक है, क्या बोलेंगे? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आउटसाइड दी चार्ज्ड सिलेंडर बोलो. ठीक है, चार सिलेंडर या फिर चार्ज्ड लॉन्ग वायर बोलो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर आप इसको सिलेंडर बोल सकते हो. ठीक है, हाँ. अब यहाँ पे ये फार्मूला तो है, जैसे हमारे पास में हमने स्पीयर के लिए काम किया था, स्पीयर के लिए भी अगर वो पॉइंट हमारा को स्पीयर पे अगर आता है तो जो स्मॉल आर है दैट बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर. तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट पे, अब ये चार सिलेंडर के क्या है बाहर में, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये इक्वल हो जाएंगे. यानी यहाँ पर फिर उसके बाद में हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर. अच्छा, यहाँ पर लैम्डा जो है ये हमारे लीनियर चार्ज डेंसिटी है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको चाहे तो आप इसको, जैसे हमने स्पीयर के लिए काम किया था तो वहाँ पर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली थी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा के फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे वहाँ पर सिग्मा के फॉर्म में था, यहाँ पर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लाया है, लेकिन यहाँ पर एक हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो आप उसको करना, सिंपल है. क्या बोलेंगे आप कि कंसिडर द पॉइंट पी ऑन दी चार्ज्ड सिलेंडर, तो वहाँ पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, उससे रिप्लेस करेंगे. और फिर यहाँ पे जैसे हमने क्यू को रिप्लेस किया किससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से, वहाँ पे आप क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से यानी सिग्मा से. ठीक है, तो आप उसको ट्राई करने की कोशिश करिए. ठीक है, यानी घर पे करने की कोशिश करिए. बाकी हमारे पास में ये हमारी कौन सी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, सो ये फार्मूला हमारे पास बनता है ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर. अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन जीरो है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है हमारी वैक्यूम या फिर एयर की. अगर यहाँ पर मीडियम आता है, कोई भी मीडियम, आप यहाँ पे ऑयल ले लो, माइका ले लो, वाटर ले लो, पैराफिन ले लो, कुछ भी, अगर आप पेपर लेते हो सादा वो भी चलेगा. ठीक है, तो वो अगर लेते हो तो सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो के साथ में वहाँ पर आपको इंसर्ट करना होता है के, जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दैट मीडियम. ठीक है, सो बच्चों प्लीज़ इसको आप माइंड करो और बराबर अच्छे से नोट्स को भी लिखो. ठीक है, सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में. टिल देन, बाय.